वालेकुम दोस्तों मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट दोस्तों आप में से जो लोग फ्री में उम्रा पर जाने के लिए मौका की तलाश में थे ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है अभी मैं आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक की जानकारी पहुँच सके हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी के नसीब में लिखा हो और उसको मिल जाए यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जिन भाइयों की सैलरी ठीक ठाक है आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई मत करें बल्कि इसको दूसरे भाइयों के लिए छोड़ दें जो कि इसका मुस्तक हो अगर आप में से किसी भाई का काम बन जाता है उसको उम्र में जाने के लिए मौका मिल जाता है तो मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें मेरे सेहत व सलामती और कारोबार में बरक़त की दुआ ज़रूर करें तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जा के आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सज्जिल आन इस पर हम क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ पूछा जा रहा है सब में आपको यहाँ पर टिक लगा देना है एक नंबर यहाँ देख सकते एक नंबर से लेकर के जो आखिर तक आपको नज़र आ रहा है सब में यहाँ पर आपको टिक लगा देना है पहले नंबर पर पूछा जा रहा है कि आपका ये पहला उम्र होगा उसके बाद आप जो है ख़ुद अपने पैसे से उमरा पर उमरा पर जाने के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं हैं मतलब आपका सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपने पैसे से जा सकते हैं एज अठारह साल से ज़्यादा है आप कतर में आ, आईडी डी बना करके रहते हैं मतलब कि जो है आपका कतर का एकामा है आप विज़िटर नहीं हैं और आपका एकामा तीन महीना से ज़्यादा है इसी तरह आपका इस यहाँ आप पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट छः महीना से ज़्यादा वैलिड है उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछा जाएगा इस पर चेक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने मिस्त्र ओपन हो जाएगा देख सकते हैं नाम यहाँ पर आपका नाम आपका आईडी नंबर पासपोर्ट नंबर आपका नेशनलिटी कौन सा उसको चूज़ करना होगा आप इंडियन नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश कहाँ के हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा इसको आप अच्छे से ध्यान से चूज़ करके देखें आपका कतरी मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पर ई होना चाहिए उसके बाद नीचे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप काम करते हैं या नहीं करते हैं अगर करते हैं तो नाम अगर नहीं करते हैं तो ला अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो ला पे आप क्लिक कर सकते हैं आपके पास में बैंक अकाउंट है या नहीं है तो नाम मेरे पास में है और उसके बाद नौ नौ लिमस्कन क्या आपका जो जिस घर में रहते हैं तो घर का किस तरह है आप रेंट पर रहते हैं या गवर्नमेंट का है या किस जो सिस्टम है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप इजार डाल सकते हैं या ये कि अगर आप ख़ुद रूम लेकर के रह सकते हैं तो इजार आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो मेरा जो सजेस्ट करूँगा मैं आप लोगों को यहाँ पर आप इजार में क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने साथ में किसी ऐसे आदमी को लेकर जाएंगे जो आपकी फैमिली से है और अठारह साल से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल करेंगे तो यहाँ पर ला पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना जो आई कॉपी है यहाँ से आपको अटैच करना पड़ेगा दोनों साइड उसके बाद ये सारा चीज़ जो आप पी में आप इसको अटैच करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपको आप आपका जो पासपोर्ट कॉपी है वो आपको अटैच करना पड़ेगा अगर यहाँ पर आपके कफिल की तरफ से एन या आपकी कंपनी की तरफ से एन मिल जाता है आपको उम्रा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसा अगर पेपर मिल जाता है तो लगा दे वो अच्छी बात है आपको सपोर्ट करेगा ये पेपर उसके बाद यहाँ पर कफिल के तरफ से अगर शख्सिया है तो आईडी अगर कंपनी है तो कंप्यूटर कार्ड उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपसे परमिशन मांगा जा रहा है कि आप जो है आपका जो पर्सनल डाटा है ये गवर्नमेंट के साथ में अगर शेयर करना चाहे क़तर ये ऑफिफ चैरिटी वाले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आपको वेरीफाई करें यहाँ पे जानकारी दिया है वो सही है या नहीं है तो वेरीफाई अगर करना चाहे तो यहाँ पे आप परमिशन दें उसको यहाँ पर सारा जो यहाँ पर यहाँ पे जो टिक करने के लिए है सब जगहों पर आप यहाँ पर टिक कर दें उसके बाद आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूछा था जो जो डॉक्यूमेंट सारा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में इरसाल पर क्लिक कर दें उसके बाद में आप जो इंतज़ार करें आपको इनशाला उधर से ख़ुद उधर से कॉल आएगा या आपको बुलाया जाएगा ऑफ़िस में या फ़ोन के जरिए जो भी पूछा जाएगा तो वो आप करें इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो की वजह से कुछ लोगों को मौका मिला था उम्र में जाने के लिए तो उम्मीद करता हूँ कि इस मरतवा भी आप लोगों को इनशाला ज़रूर मौका मिलेगा अगर मौका मिले आप लोगों को तो दुआ में जरूर याद रखें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया